हेलो व्यूवर्स, जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं निधि सिंह। सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो को देखिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आज की वीडियो प्रकृति पर आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट एक, प्रकृति की सीख। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। पर्वत सिर उठाकर कहता है तुम सब मेरे समान ऊंचे बनो, अर्थात पर्वत हम सबको महान बनने की प्रेरणा दे रहा है। सागर लहराकर कहता है मन में गहराई लाओ, भाव यह है कि सागर हमें गंभीर होने की प्रेरणा देता है। समझ रहे हो क्या कहती हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। क्या तुम यह बात समझ पा रहे हो कि पानी की चंचल लहर ऊपर उठ उठकर फिर नीचे गिर गिर कर क्या संदेश दे रही है? यह कह रही है तुम अपने मन में मधुर उत्साह भरो, अपने मन में मधुर जोश भरो, अर्थात सागर की चंचल लहरें हमें कठिन परिस्थितियों में उत्साह भरकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए कहती हैं। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी के सिर पर बहुत अधिक भार है, यह इसे धैर्य पूर्वक सहती है और सबको धैर्यवान होने की प्रेरणा देती है। अर्थात हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल के समय भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, हर परिस्थिति में हमें धीरज से काम लेना चाहिए। आकाश हमें कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, अर्थात आकाश हमें आगे बढ़ने के लिए कहता है, आकाश हमें अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ने के लिए कहता है। ठीक है बच्चों, इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। यह बहुत ही सुंदर कविता है। कविता के माध्यम से उन्होंने प्रकृति का संदेश देने की कोशिश की है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, साथ ही साथ हमें प्रकृति की तथा प्राकृतिक तत्वों व प्राकृतिक जीवों की रक्षा करनी चाहिए। आगे कुछ कठिन शब्द हैं जैसे कि शीश, तरंग, मृदुल, धैर्य, पर्वत, उमंग, पृथ्वी, संसार। फिर शब्दार्थ है, पर्वत का अर्थ पहाड़ होता है और इंग्लिश में इसको माउंटेन कहते हैं। शीश का अर्थ सिर होता है, इंग्लिश में सिर को हेड कहते हैं। गहराई का अर्थ गहनता होता है और इंग्लिश में गहनता को डेप्थ कहते हैं। तरंग का अर्थ लहर होता है और इंग्लिश में इसको वेव कहते हैं। मृदुल का अर्थ कोमल होता है और कोमल को इंग्लिश में सॉफ्ट कहते हैं। उमंग का अर्थ उत्साह होता है और इंग्लिश में इसको जील कहते हैं। धैर्य का अर्थ धीरज होता है और इंग्लिश में धीरज को पेशेंस कहते हैं। भार का अर्थ वज़न होता है और वज़न को इंग्लिश में वेट कहते हैं। नभ का अर्थ आकाश होता है और आकाश का इंग्लिश मीनिंग स्काई होता है। संसार का अर्थ दुनिया होता है और दुनिया का इंग्लिश मीनिंग वर्ल्ड होता है। बच्चों आप सभी शब्दार्थ को इंग्लिश और हिंदी में याद करेंगे। आगे प्रश्नोत्तर है, तो चलिए बच्चों प्रश्नोत्तर की शुरुआत करते हैं पार्ट एक के। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में प्रश्न का है पर्वत क्या कहता है, पर्वत हमें ऊंचा बनने के लिए कहता है, ये इसका उत्तर है। प्रश्न खा पृथ्वी क्या नहीं छोड़ने के लिए कहती है, धैर्य, इसका उत्तर है पृथ्वी हमें धैर्य नहीं छोड़ने के लिए कहती है। प्रश्न ग नभ क्या ढकने के लिए कहता है, नभ सारा संसार ढकने के लिए कहता है। प्रश्न घ इस कविता के रचयिता कौन हैं, इस कविता के रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। अगला है लिखित प्रश्न। प्रश्न का इस कविता में प्रकृति के किन तत्वों का उल्लेख किया गया है, उत्तर इस कविता में पर्वत, सागर, पृथ्वी और नभ जैसे प्राकृतिक तत्वों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न ख सागर हमें क्या सिखाने का प्रयत्न कर रहा है, उत्तर सागर हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने और जीवन में गंभीरता को सिखाने का प्रयत्न कर रहा है। प्रश्न ग सागर की लहरें हमें क्या शिक्षा प्रदान करना चाहती हैं,
उत्तर, सागर की लहरें हमें कठिन परिस्थितियों में मन में उत्साह भरकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की शिक्षा प्रदान करना चाहती हैं। अगला प्रश्न है घ, पृथ्वी हमसे क्या कहती है? इसका उत्तर है, पृथ्वी हमसे बड़ी से बड़ी मुसीबत के समय भी धैर्य नहीं छोड़ने के लिए कहती है। अगला प्रश्न है कविता पंक्ति पूर्ति कीजिए। इस प्रश्न को करने से पहले बच्चों आप लोगों को इस कविता का याद होना बहुत ही आवश्यक है, तो सबसे पहले आप इस कविता को याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। प्रश्न ख, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ग, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सर पर भार। अगला प्रश्न है सत्य अथवा असत्य प्रश्न। का, सागर ऊंचा बनने के लिए कहता है असत्य। कविता में हमने पढ़ा था कि पर्वत हमें ऊंचा बनने के लिए कहता है। प्रश्न ख, लहरें उत्साहित रहने के लिए कहती हैं सत्य। प्रश्न ग, पृथ्वी धीरज रखने के लिए नहीं कहती है असत्य। प्रश्न घ, आकाश संसार को ढकने के लिए कहता है सत्य। अगला प्रश्न है उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न का, पर्वत उठाकर कहता है, इसका विकल्प है हाथ सिर दोनों, तो इसका सही विकल्प होगा सिर, पर्वत सिर उठाकर कहता है। प्रश्न ख, उमंग भरने के लिए कहती है, विकल्प है तरंग पृथ्वी नभ। तो कविता में हमने पढ़ा है कि उमंग भरने के लिए कहती है तरंग, तरंग उचित विकल्प है। प्रश्न ग, पृथ्वी सिखाती है अधैर्य धैर्य कष्ट सहना, सही विकल्प है धैर्य, पृथ्वी हमें धैर्य सिखाती है। अगला प्रश्न है घ, कविता का नाम है, विकल्प है धरती की सीख सौंदर्य की सीख प्रकृति की सीख, तो इसका उचित विकल्प है प्रकृति की सीख, कविता का नाम है प्रकृति की सीख। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है शब्द ज्ञान। इसमें से पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, उल्टे शब्द। जैसे कि पर्वत का विलोम शब्द है पठार, तरल का विलोम शब्द होगा ठोस, धैर्य का विलोम शब्द होगा अधैर्य, आकाश का विलोम शब्द होगा पाताल। दूसरा है, दिए गए शब्दों के तुकांत एक सी लय वाले शब्द लिखिए। तुकांत मतलब एक सी लय वाले शब्द जो एक जैसे हों, जैसे कि आओ लाओ जाओ खाओ, जो बोलने में एक जैसे हों। ठीक है, तो उठाकर का तुकांत शब्द होगा लहराकर, तरंग का तुकांत शब्द होगा उमंग, भार का तुकांत शब्द होगा संसार, और जाओ का तुकांत शब्द होगा लाओ। उसके बाद लिखित बोध में दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पर्वत का वाक्य प्रयोग है, पर्वत शीश उठाकर ऊंचा बनने के लिए कहता है। ख, तरल, इसका वाक्य प्रयोग होगा, गर्मियों में खान पान में तरल पदार्थ अधिक लेना चाहिए। ग, भार, पृथ्वी के सिर पर अत्यधिक भार है। घ, संसार, यह संसार बहुत ही बड़ा है। बच्चों यह वाक्य प्रयोग अगर आप लोग अपने से भी कर सकते हैं तो आप लोग अपने से कोई वाक्य प्रयोग करिएगा। ठीक है, आपका पाठ समाप्त होता है और आज की यह वीडियो भी समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।